कुख्यात बदमाश मनीष श्रीवास के हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार रंजीत सफेलकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। न्यायालय में आरोपी सफेलकर को 7 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। पुलिस अपराध शाखा ने कल रिमांड में कई मामलों के संबंध में पूछताछ की। वहीं मनीष श्रीवास और निमगढ़ हत्याकांड को लेकर कई सवाल किए। सूत्रों ने बताया कि सफेलकर रात में कस्टडी में सोया नहीं। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले सफेलकर रात में कस्टडी में सो नहीं पाया। दो दिन पूर्व ही सफेलकर की 56 लाख रुपए कीमती की लग्जरी गाड़ियां जब्त की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफेलकर के पास में कितनी संपत्ति होगी और वह किस तरह से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। कल से कोर्ट में पैदल ही बगैर चप्पल के पेश किया गया। उसकी पुलिस ने हेकरी निकाल दी। 6 सितंबर 2016 को तहसील थाना क्षेत्र के लाल इमली मार्ग पर आर्किटेक्ट एकनाथ निमगढ़ की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच में जमीन का विवाद सामने आया था। बाद में यह केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई भी इसमें कुछ खास नहीं कर पाई। इस हत्याकांड की सूत्रधार के तौर पर अपराधी से नेता बने रंजीत सफेलकर का नाम सामने आया है। वह भूमिगत था। प्रकरण में रंजीत के साथी रहे शहबाज शेख, अफसर राजा, परवेज अब्दुल, अल्ताफ, नासिर, फिरोज और मुस्ताक और मसूद छोटे साहब अशरफी को गिरफ्तार किया जा चुका है। सोमवार को ही पुलिस ने रंजीत सफेलकर की 3 कारें जब्त की है। सफेलकर को कहां से पकड़ा गया इसका खुलासा पुलिस नहीं कर पा रही है। रंजीत के पकड़े जाने से 5 करोड़ की सुपारी देने वाले का भी पता चल सकेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज और माइकल के साथ अभिषेक पानसे, BCN न्यूज नागपुर।